कोरोना वायरस हेल्थ अलर्ट के साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद फहीम। प्रिवेंशन इज द बेस्ट डिफेंस। अब तक कोरोना वायरस से बचाव के लिए किसी किस्म की कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें कोरोना वायरस से बचने के लिए, बचाव के लिए जो काम करना है, दैट इज प्रिवेंशन। अपने आप को कोरोना वायरस से एक्सपोज होने के से अपने आप को बचाना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, हेल्थ कैनेडा हो, CDC हो, या दुनिया भर की जो हेल्थ अथॉरिटीज हैं, उन्होंने एक प्लान दिया है कि हम अपने आप को किस तरह वो एहतियाती तदाबीर पे चलते हुए अपने आप को कोरोना वायरस से बचा सकते हैं। जो सरफहरी जो चीज है, दैट इज द पर्सनल हाइजीन। और पर्सनल हाइजीन में जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज द हैंड वॉशिंग। हाथ को प्रॉपरली और थॉरली साफ करना है, धोना है किसी भी सोप से, लिक्विड सोप से, किसी भी डिसइंफेक्टेड सॉल्यूशन से, और उन उंगलियों के बीच में हाथ को साफ करना है, ताकि हाथों के जरिए जो मेन सोर्स है कोरोना वायरस तक पहुंचने का, जिस्म तक पहुंचने का, उससे आप अपने आप को रोक लेते हैं। दूसरी चीज है, दैट इज द रिस्पायरेटरी हाइजीन। आप खांसते वक्त, छींकते वक्त अपने मुंह को कवर करें एल्बो को बेंड करके, या किसी टिश्यू या के और चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो उस पेपर को, उस टिश्यू को प्रॉपरली डिस्पोज करें। और अगर किसी स्टेज पे कोई कांटेक्ट होता है, मैं एक बात बताता चलूं, कोरोना वायरस जो है, कोई पेशेंट है कोरोना वायरस का, अगर वो किसी चीज को छूता है तो वो कोरोना वायरस उस जगह पे, उस ऑब्जेक्ट पे ट्रांसमिट करता है। तो आप किसी चीज को छूते हैं, टच करते हैं, और उसके बाद इन उंगलियों के अपने मुंह पे, नाक पे, आंखों पे ले जाते हैं, तो ये सोर्स है ट्रांसमिट करने का कोरोना वायरस। तो अवॉइड करें, बहुत ज्यादा अवॉइड करें, बगैर हाथ धोए मुंह पे, नाक पे या आंखों पे हाथ को बिल्कुल भी ना लेके जाएं। मास्क का इस्तेमाल मैं ये बताता चलूं, इफ यू आर हेल्दी पर्सन, अगर आप हेल्दी हैं तो रिकमेंडेशन ये है कि आपको मास्क की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सस्पेक्टेड केस हैं, या किसी ऐसे शख्स के पास आप मिलने जाते हैं जो कोरोना वायरस का डायग्नोस केस है, या सस्पेक्टेड केस ऑफ कोरोना वायरस है, तो ऐसी सूरत में आप मास्क का इस्तेमाल लाजमी तौर पर करें, ताकि कोई किसी किस्म की कोई ट्रांसमिशन ना हो। आप डिस्टेंस बनाए रखें, सोशलाइजेशन में सोशल डिस्टेंसिंग जिसको कहते हैं, एटलीस्ट जो रिकमेंडेशन है, दैट इज 1 मीटर, यानी 3 फिट का फासला रखें, जिसको आप समझते हैं। अगर आप नहीं भी समझते कि वो शख्स फरार है, तो भी इन दिनों खास तौर पे एक डिस्टेंस बनाए रखें, जो एहतियाती तदाबीर में, अगर आपको बुखार है, खांसी है, और बहुत तेज बुखार हो रहा है, या खांसी में कमी नहीं आ रही है, आपकी स्नीजिंग है, सोर थ्रोट है, आपके सिम्टम्स में इजाफा हो रहा है, तो फौरी तौर पे अपने फैमिली फिजिशियन से, डॉक्टर से, या हेल्थ केयर प्रोवाइडर से राब्ता करें। जो चीज़ें आपके इस्तेमाल में रहती हैं घर में, ऑफिस में, लाइक डोर नॉब है, कंप्यूटर है, मोबाइल फोन है, दीगर चीज़ें हैं, टेबल है, उनकी उन चीज़ों की सफाई का भी बहुत ज़्यादा आप ख्याल रखें। जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हमारा बॉडी का दिफाई निजाम, बॉडी का इम्यून सिस्टम। कोशिश करें कि वो तमाम चीज़ों को, वो तमाम इकदाम को अपनाएं, जिसके ज़रिए हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म, यानी इम्यून सिस्टम, किस तरह स्ट्रांग हो सकता है। अननेसेसरी गैदरिंग से इन दोनों खास तौर पे, और इस तरह की हिदायत भी है कैनेडियन गवर्नमेंट की जानिब से, कि बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरियाज पे, शॉपिंग मॉल है, पिक्चर हॉल्स हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों की गैदरिंग है, अवॉइड करें इस तरह की गैदरिंग और क्राउडेड प्लेस से। जब आपकी तबीयत खराब हो, आपको महसूस हो रहा है दैट यू आर नॉट फीलिंग वेल, तो कोशिश करें कि घर पे रहने की, स्टे एट होम। और जब कोई किसी बीमार से अगर आपका कांटेक्ट लाजमी है, तो तमाम प्रिकॉशनरी मेजर के साथ उसके साथ रابطہ करें। पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करें, पानी का इस्तेमाल, कहते हैं कि ये जो कोरोना वायरस है, ये बॉडी में आने के बाद थ्रोट में, गले में कई घंटों तक स्टे करता है। अगर आप पानी का फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं, तो फिर ये वायरस आपके मेदे में आता है, और यहां पर कंसंट्रेटेड एसिड है जो उस वायरस को किल कर देता है। ये वो चंद हिदायत हैं, ये वो चंद चीजें हैं जिस पर अगर हम चलेंगे, तो यकीनन ना कि अपने आप को सेव करेंगे, अपनी फैमिली को, अपनी कम्युनिटी को, इस कोरोना वायरस जो एक वबा की सूरत अख्तियार कर चुका है, इससे हम अपने आप को बचा लेंगे। याद रखिए, दिस सिंपल प्लानिंग एंड प्रिकॉशन एंड प्रिवेंटिव मेजर, इट इज गोइंग टू मेक अ बिग डिफरेंस। बहुत बहुत शुक्रिया।